तो हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं रिवेल्यूशन अकाउंट। एक पार्टनर जब फॉर्म में एंटर होता है या फिर कोई पार्टनर फॉर्म से जब जाता है, दोनों ही केस में असेट एंड लायबिलिटीज का रिवेल्यूशन होता है, रीअसेसमेंट होता है। असेट का रिवेल्यूशन होता है तो लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट होता है, उनसे कनेक्टेड होता है रिवेल्यूशन अकाउंट। क्या होता है रिवेल्यूशन अकाउंट, क्या होता है रिवेल्यूशन एंड रीअसेसमेंट, ये समझते हैं। जो असेट बैलेंस शीट में दी हुई है, जो असेट्स जितनी भी बैलेंस शीट में दी हुई है, इनकी बुक वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू को कंपेयर किया जाता है कि कौन सी असेट की बुक वैल्यू जो है, यानी जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी हुई है वो वैल्यू, और जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है, उन दोनों में क्या डिफरेंस चल रहा है, रिवैल्यूएशन करके वो देखा जाता है। अगर किसी असेट की वैल्यू बढ़ रही है तो बढ़ा दी जाती है, अगर वैल्यू कम हो रही है तो कम कर दी जाती है। और इस तरीके से किसी असेट की वैल्यू बढ़ाने या घटाने से, किसी असेट की वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करने से जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आता है। तो बात फिर से समझ रहे हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है। एक पार्टनर जब फॉर्म में एंटर होता है या कोई पार्टनर जाता है या किसी और केस में जब शेयरिंग रेशियो चेंज किया जाता है, अक्सर उस टाइम पर असेट एंड लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन एंड रीअसेसमेंट होता है, और उनसे जो प्रॉफिट या लॉस है वो कैलकुलेट करने के लिए रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। असेट्स का रिवैल्यूएशन करने से, लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट करने से जो प्रॉफिट्स हुआ है, जो लॉस हुआ है, वो कैलकुलेट करने के ऑब्जेक्ट से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। तो पहली बात, रिवैल्यूएशन क्या होता है। तो बैलेंस शीट में जो असेट्स दी होती है उनका फिर से वैल्यूएशन किया जाता है। बैलेंस शीट में जो वैल्यूज दी होती है उनका फिर से वैल्यूएशन करके देखते हैं कि जो इनकी बुक वैल्यू चल रही है और जो इनकी एक्चुअल वैल्यू है, इनमें क्या डिफरेंस है। बुक वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू पर लेके आया जाता है, इसके लिए असेट्स की वैल्यू कम या ज़्यादा की जाती है। बुक वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू पे लाने के लिए किसी असेट की वैल्यू इंक्रीज की जाती है तो किसी असेट की वैल्यू डिक्रीज की जाती है। असेट को रिवैल्यूएशन करने से, वैल्यू को इंक्रीज या डिक्रीज करने से जो प्रॉफिट या लॉस होता है वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आता है। अगर किसी असेट की वैल्यू कम हुई है तो जितनी वैल्यू कम हुई है वो लॉस है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा। ऐसे अगर किसी असेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो वो प्रॉफिट है, जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है उतना प्रॉफिट है, वो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा। ठीक इसी तरीके से जो लायबिलिटीज होती है उनका रीअसेसमेंट होता है, जो लायबिलिटीज होती है उनका रीअसेसमेंट होता है। रीअसेसमेंट वापस से वैल्यूएशन करके देखते हैं कि भाई ये जो लायबिलिटी में जो वैल्यूज लिखी है ये एक्चुअली इतनी पेबल है या इससे ज़्यादा या कम, कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटी तो नहीं है जिसका पेमेंट करना है, कोई ऐसी लायबिलिटी तो नहीं है जो बुक में जितने लिखी है उससे पेमेंट ज़्यादा या कम होना है। रीअसेस करके देखते हैं और उस ढंग से एक्चुअल वैल्यू पर लायबिलिटीज को लेके आया जाता है। इसके लिए लायबिलिटीज की वैल्यू या तो इंक्रीज की जाती है या डिक्रीज की जाती है, और इस तरीके से उसको एक्चुअल वैल्यू पे लेके आते हैं। अगर लायबिलिटीज की वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो जितनी वैल्यू इंक्रीज या डिक्रीज हुई है वो प्रॉफिट या लॉस है हमारे लिए, तो वो चीज़ें भी रिवैल्यूएशन अकाउंट में आएगी, सो देट हम रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस निकाल सकें। अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हुई है तो लॉस है, डेबिट में लिख देंगे। अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हुई है तो वो प्रॉफिट है, क्रेडिट में लिख देंगे। रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो जितनी वैल्यू किसी लायबिलिटी की इंक्रीज हुई है वो लॉस है, वो डेबिट में आएगा। अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है तो वो प्रॉफिट है, वो क्रेडिट में आएगा। इंक्रीज तो डेबिट में, डिक्रीज तो क्रेडिट में। अगर कोई एक्स्ट्रा लायबिलिटी क्रिएट हुई है, किसी को पेमेंट करना है, लॉस है, डेबिट में लिख देंगे। इस तरीके से असेट और लायबिलिटीज के वैल्यू को इंक्रीज डिक्रीज करके एक्चुअल वैल्यू पे लेके आया जाता है, बुक वैल्यू को एक्चुअल वैल्यू पे लेके आया जाता है।
करेंसी जो प्रॉफिट और लॉसेस होते हैं वो रिवैल्यूएशन अकाउंट में आते हैं और लास्ट में कंक्लूजन में फाइनल रिवैल्यूएशन प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करके पार्टनर्स में डिवाइड कर देते हैं सभी असेट और लायबिलिटीज को रिवैल्यू एंड रीअसेस करके जो जो प्रॉफिट लॉसेस हो रहे हैं हर एक असेट हर एक लायबिलिटी पर रिवैल्यूएशन अकाउंट में लेके आएंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट का जो फाइनल प्रॉफिट है वो पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशियो में जो अभी तक का रेशियो था उस रेशियो में इनकमिंग ईयर में इनकमिंग टाइम में जो रेशियो चलेगा वो नहीं आज तक जो रेशियो था उस रेशियो में फाइनल प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे तो एग्जांपल से समझते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट देखिए जैसे ये एक क्वेश्चन है इसमें देखिए क्या दिया हुआ है पहला एडजस्टमेंट पढ़ के देख रहे हैं द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी अप्रिसिएट बाय 20% एक एडजस्टमेंट है द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी अप्रिसिएटेड बाय 20% लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू 20% इंक्रीज हो गई तो बिल्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग की जो पुरानी वैल्यू बैलेंस शीट में गिवन है वो देखें कितनी दी हुई है बैलेंस शीट के अंदर देखें तो 210,000 लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दी हुई है और अभी 20% इंक्रीज हो रही है तो कैसे करेंगे पहले तो बैलेंस शीट में बिल्डिंग की पुरानी वैल्यू लिख देंगे लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट में जब न्यू बैलेंस शीट बन रही है उसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू अंदर पहले लिख देंगे जो पुरानी वैल्यू जो ओल्ड वैल्यू है उसको ये लिख दिया हमने अब इसमें एप्रिसिएशन हो रहा है वैल्यू बढ़ रही है सो 210,000 का 20% बोला है ना तो 210,000 का 20% कैलकुलेट कर लेंगे 20% तो ये आ रहा है 42,000 ये प्लस करके बाहर लिख देंगे अमाउंट वाले कॉलम में लिख देंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग जो 210,000 की थी 42,000 से इंक्रीज हो गई 252,000 हो गई बिल्डिंग की जो वैल्यू इंक्रीज हुई है 42,000 ये प्रॉफिट है बिल्डिंग की वैल्यू जो इंक्रीज हुई है 42,000 ये प्रॉफिट है ये प्रॉफिट रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा प्रॉफिट्स क्रेडिट में जाते हैं तो लॉसेस डेबिट में जाते हैं बाय लैंड एंड बिल्डिंग 42,000 ये लिख दिया अब देखिए यही एडजस्टमेंट जिसमें लिखा था कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई यही एडजस्टमेंट देखिए और किस ढंग से दे सकते हैं तो इसकी जगह पे एक दूसरा सेंटेंस आ सकता है लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएट बाय 42,000 दोनों में डिफरेंस देखिए क्या है दोनों सेंटेंस में डिफरेंस क्या है दोनों चीज एक ही है एक ही बात कही गई है दोनों में एक में परसेंटेज में बोला है कि 20% वैल्यू इंक्रीज हो गई तो दूसरे में अमाउंट कैलकुलेट करके दे दिया कि कितनी वैल्यू इंक्रीज हुई कितना अमाउंट लैंड एंड बिल्डिंग का इंक्रीज हुआ अमाउंट कैलकुलेट करके दे दिया यहां पे हमें 20% कैलकुलेट करना पड़ा दोनों चीजें एक ही है फिर देखिए सेकंड सेंटेंस और थर्ड सेंटेंस में तीसरे ढंग से कैसे दिया जा सकता है वो देख रहे हैं हम तो इसी बात को एक और ढंग से दे सकते हैं कि वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग विल बी इंक्रीज्ड बाय 42,000 यहां एप्रिसिएट था और यहां इंक्रीज्ड है एक वर्ड का फर्क है इन दोनों में देखें पर दोनों का मतलब एक ही होता है एप्रिसिएटेड बाय 42,000 या इंक्रीज बाय 42,000 एक ही बात होती है एप्रिसिएटेड बाय 20% एप्रिसिएटेड बाय 42,000 इंक्रीज बाय 42,000 इन सबका एक ही मतलब होता है इन सबका मतलब है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज करनी है 42,000 से एक और ढंग से देखें यही बात एक और ढंग से दे सकते हैं उसमें थोड़ा सा चेंज करके वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिसिएटेड टू बाय की जगह टू आ चुका है देखिए ऊपर वाले सेंटेंस में और इस सेंटेंस में क्या फर्क है ऊपर के दोनों और ये तीसरे में लास्ट में बाय की जगह टू है वहां पे लिखा था कि इंक्रीज्ड बाय 42,000 एप्रिसिएटेड बाय 42,000 लेकिन यहां लिखा है एप्रिसिएटेड टू बाय नहीं टू लेख 52,000 क्या मतलब है इसका लैंड एंड बिल्डिंग इंक्रीज होके एप्रिसिएट होके
2,42,000 हो गई। ऐसे भी क्वेश्चन में सेंटेंस दिया जा सकता है। लैंड बिल्डिंग की वैल्यू 2,10,000 सी, वो इंक्रीज होकर एप्रिसिएट होकर 2,52,000 हो गई। और पहले लैंड बिल्डिंग की वैल्यू थी कितनी? 2,10,000। तो 2,10,000 से 2,52,000 हो गई। डिफरेंस देखे तो वही 42,000 से असेट की वैल्यू इंक्रीज हुई है। तो एक ही बात को एक ढंग से, दूसरे तरीके से, तीसरे तरीके से, चौथे तरीके से दिया जा सकता है और सबका एक ही मतलब है। ऐसे ही एक और लास्ट देखते हैं कि एक और ढंग से दिया जा सकता है। द लैंड बिल्डिंग रिवैल्यूड एट 2,52,000। पहले के बाकी सभी सेंटेंस में क्लियर क्लियर मेंशन किया था कि भाई लैंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, लेकिन यहां पे ये क्लियर नहीं किया लैंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हुई है या डिक्रीज हुई है। बस ये कहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो है वो 2,52,000 हो गई। पहले जो भी थी उससे 2,52,000 हो गई। और पहले लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू जो बैलेंस शीट में दी हुई है वो कितनी है? बैलेंस शीट में 2,10,000। और 2,10,000 से जब रिवैल्यूएशन किया तो कितनी हो गई? 2,52,000, यानी वही 42,000 वैल्यू बढ़ी है। तो लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू, लैंड एंड बिल्डिंग को जब रिवैल्यूएशन करके देखा, वापस से वैल्यूएशन करके देखा, तो लैंड एंड बिल्डिंग का जब फिर से वैल्यूएशन करके देखा, तब हमको पता चला कि वो 2,52,000 हो गई है। पहले 2,10,000 थी, यानी 42,000 वैल्यू बढ़ी है। इसका मतलब तो इस ढंग से एक ही बात, लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू बढ़ गई, उसको अलग अलग ढंग से दिया जा सकता है। आगे चलकर जब हम प्रॉब्लम्स करेंगे तो हम इसमें ध्यान रखेंगे कि अलग अलग ढंग से दी एक ही बात को दिया जा सकता है और इन सब का एक ही मतलब होता है। इन सब चीज़ों में उलझना नहीं है, लेकिन हाँ, इनमें थोड़ा सा स्लाइटली चेंज होकर चीज़ें नई बन जाती हैं। वो किस ढंग से, वो हम आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या लिखा है, एक और ढंग से अब दूसरी चीज़ें, लेकिन चेंज थोड़ा सा है ऊपर वाली और नीचे वाली चीज में, और उससे मीनिंग ही बदल जाएगा। तो देखें, अभी तक जितने भी सेंटेंस थे उन सभी में लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, लेकिन अब देखें एक सेंटेंस है, ऐसा भी क्वेश्चन में आ सकता है, द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग will be depreciated by 20%। बिल्डिंग की वैल्यू 20% कम हो गई, तो क्या करेंगे? बिल्डिंग की वैल्यू 2,10,000 दी हुई है, पहले तो बैलेंस में 2,10,000 लिख देंगे, 2,10,000 लिख दिया, depreciated by 20%, तो less depreciation। बिल्कुल सिंपल ढंग से देख रहे हैं, पहले तो 20% लेस करना है, 2,10,000 का 20% कितना होता है? 42,000। ये माइनस कर दिया, 42,000 माइनस करके बाहर लिख दिया। तो लिखते हैं कैसे बैलेंस शीट में, ये भी देख लीजिएगा, ये न्यू बैलेंस शीट बन रही है। लैंड बिल्डिंग की पुरानी वैल्यू जो है वो अंदर लिख देंगे, जितनी भी कम करना है वो कम कर दिए, बाकी फाइनल वैल्यू बाहर लिख दिए। अब ये जो बिल्डिंग की वैल्यू कम हुई है तो ये हमारा लॉस हो गया। अगर ये लॉस हो गया तो फिर डेबिट में आएगा, टू लैंड एंड बिल्डिंग 42,000। पहले कहाँ पे आया? क्रेडिट में। जब वैल्यू बढ़ रही थी तो प्रॉफिट था तो क्रेडिट में लिखा था, ये ना पहले वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग। और इस वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कम हो रही है तो लॉस है तो डेबिट में लिखेंगे, लॉस इस डेबिट में आया और उधर बैलेंस में माइनस भी किया। अब बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई, यही बात और किस ढंग से दे सकते हैं? तो देखिए, वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिसिएटेड बाय 42,000। दोनों में क्या फर्क है? एक जगह परसेंटेज में दिया हुआ है और दूसरी जगह अमाउंट में दिया हुआ है, पर दोनों का एक ही मतलब है। ऐसे ही वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग बी डिक्रीज्ड बाय 42,000, इसका मतलब भी यही है। डेप्रिसिएट बोल दो, डिक्रीज बोल दो, बात एक ही है। फिर ऐसे ही द वैल्यू ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग डेप्रिसिएट 1,68,000, बिल्डिंग की वैल्यू कम होकर 1,68,000 हो गई।
पहले बिल्डिंग की वैल्यू 2,10,000 थी, उसमें अब रह गई 1,68,000, तो कितनी कम हुई? पहले बिल्डिंग की वैल्यू 2,10,000 थी, अब रह गई 1,68,000, तो कितनी कम हुई? 42,000, है ना। तो तीन, इसका मतलब भी तो वही है, बिल्डिंग की वैल्यू लैंड 42,000 कम हुई, इसका मतलब भी यही है और इसका मतलब भी यही है और इसका मतलब भी यही है। तो एक ही बात को अलग अलग ढंग से दिया हुआ है। द वैल्यू ऑफ द लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड एट 2,52,000, बिल्डिंग की वैल्यू 2,52,000 हो गई, 2,10,000 से 2,52,000 हो गई, मतलब 42,000 बढ़ गई। ठीक है, इसमें थोड़ा सा अगर चेंज कर दें, इसमें अगर थोड़ा सा ये चेंज कर दें कि देखिए ऐसा अगर दिया हो द लैंड बिल्डिंग रिवैल्यूड एट 1,68,000, द लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूड एट 1,68,000, तो इसमें और ऊपर वाले सेंटेंस में क्या फर्क है? ऊपर वाले में क्लियर लिखा है कि कम होके 1,68,000 हो गई, और यहाँ पे लिखा है कि बिल्डिंग की वैल्यू 1,68,000 हो गई। कम हो गई कि कितनी ज्यादा हो गई वो आप समझो। बैलेंस शीट में 2,10,000 वैल्यू दी हुई है, 1,68,000 हो गई है, मतलब 42 कम हुई है। तो इस ढंग से अगर बिल्डिंग की वैल्यू कम हो गई है, किसी असेट की वैल्यू कम हो गई है, तो उस बात को कि वैल्यू कम हो गई, ये बात वो कई ढंग से दे सकते हैं। देखिए कितने ढंग से ये कम हो गई है, अगर वैल्यू बढ़ गई है तो कितने ढंग से दिया जा सकता था, ये देखिए। अब अगले एक दूसरा एडजस्टमेंट लेते हैं, एक और तरीके से देखते हैं। स्टॉक वॉज फाउंड अंडर वैल्यूड बाय 31,000, स्टॉक वॉज फाउंड, जब हमने स्टॉक का वैल्यूएशन करके देखा तो हमें पता चला, क्या पता चला, क्या फाउंड हुआ? अंडर वैल्यूड बाय 31,000, कि स्टॉक 31,000 कम लिखा हुआ है, जितना भी स्टॉक लिखा हुआ है वो 31,000 से कम है, 31,000 स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है। अगर स्टॉक की वैल्यू 31,000 बढ़ानी है तो ये तो प्रॉफिट हुआ, तो इसको फिर क्रेडिट साइड में लिख देंगे बाय स्टॉक, 31,000 स्टॉक में कम लिखा हुआ है तो ये बढ़ा देंगे, ये प्रॉफिट हो गया, इंक्रीज कर देंगे, प्रॉफिट हो गया, रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर देंगे। और बैलेंस शीट में जो पहले वैल्यू दी हुई है उसमें 31,000 प्लस करके लिख देंगे, बैलेंस शीट में जो पुरानी वैल्यू दी हुई है क्वेश्चन के अंदर उसमें 31,000 प्लस करके लिख देंगे। पहले बैलेंस शीट में वैल्यू कितनी थी स्टॉक की? 91,000, और अब 31,000 प्लस करके लिखेंगे न्यू बैलेंस शीट के अंदर, तो ये न्यू बैलेंस शीट, स्टॉक पहले 91,000 था, 31,000 कम लिखा हुआ है तो वो प्लस कर दिया, तो जो बिल्डिंग की हमने लैंड की सॉरी स्टॉक की वैल्यू हमने इंक्रीज करी यहाँ पर, वही वैल्यू प्रॉफिट भी है, इसलिए रिवैल्यूएशन पे क्रेडिट में भी लिख दिया, तो स्टॉक की वैल्यू 31,000 बढ़ गई। यही बात वो और किस किस ढंग से दे सकते हैं वो देखिए। स्टॉक वाज इंक्रीज्ड बाय 31,000, स्टॉक वाज इंक्रीज्ड बाय 31,000, स्टॉक की वैल्यू 31,000 बढ़ गई, स्टॉक की वैल्यू 31,000 कम लिखी हुई है, कम लिखी हुई है मतलब बढ़ानी है, स्टॉक वाज इंक्रीज बाय 31,000 स्टॉक की वैल्यू बढ़ानी है, स्टॉक वाज इंक्रीज टू 1,22,000, स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज टू, बाय की जगह टू आया है, ऊपर वाले और इस सेंटेंस में फर्क लिखिएगा, बाय की जगह टू आया है, स्टॉक वाज इंक्रीज्ड टू 1,22,000, स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज होकर 1,22,000 हो गई। सेंटेंस का मतलब क्या है? स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज हो गई, पहले जितनी भी थी वो इंक्रीज होकर 1,22,000 हो गई, और पहले स्टॉक की वैल्यू कितनी थी? 91,000 थी, और अब कितनी है? अब 1,22,000 है, तो 1,22,000 माइनस जो बैलेंस शीट में वैल्यू दी हुई है 91,000, डिफरेंस देखा तो क्या आ रहा है? 31,000, मतलब स्टॉक की वैल्यू 31,000 से इंक्रीज हो गई। तो इस तरीके से स्टॉक की वैल्यू 31,000 से इंक्रीज हुई है। देखिए एक ढंग से दिया हुआ है, देखिए दूसरे ढंग से, देखिए तीसरे ढंग से दिया हुआ है। अब ऐसे अगर स्टॉक की वैल्यू कम हो गई तो फिर वो कैसे दिया रहेगा वो देखते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि अगर स्टॉक की वैल्यू इंक्रीज करनी है तो कैसे क्वेश्चन में दिया रहेगा,
अब देखते हैं कि स्टॉक की वैल्यू अगर डिक्रीज करनी तो क्वेश्चन में कैसे कैसे दे सकते हैं। तो स्टॉक वाज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय 31,000 ऐसे दिया जा सकता है। स्टॉक वाज फाउंड, जब स्टॉक का वैल्यूएशन करके देखा तो क्या फाउंड हुआ, क्या पता चला, ओवर वैल्यूड बाय 31,000। स्टॉक जो है वो तो 31,000 ज्यादा लिखा हुआ है बैलेंस शीट में। स्टॉक तो जो बैलेंस शीट में लिखा हुआ है वो तो 31,000 ज्यादा लिखा हुआ, उसका वैल्यूएशन 31,000 ज्यादा हो गया है, यानी कम करना है। पहले स्टॉक 91,000 था, अब 31,000 कम करके लिखना है। तो जब न्यू बैलेंस शीट बनाई जाएगी वहां पे स्टॉक 91,000 में से 31,000 माइनस करके लिखा जाएगा, यानी कितना लिखा, 60,000। स्टॉक की वैल्यू कम कितनी करी हमने, 31,000 कम करी। तो जो स्टॉक की वैल्यू 31,000 कम हो गई है तो वो फिर हमारा लॉस हो गया। अगर वो लॉस हो गया तो वो डेबिट में आएगा, क्रेडिट की बजाय डेबिट में आएगा। पिछले वाले पॉइंट के अकॉर्डिंग वैल्यू इंक्रीज हो रही थी, प्रॉफिट था तो क्रेडिट में लिखा था, लेकिन अब की बार स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है, लॉस है तो डेबिट में आएगा। तो स्टॉक की वैल्यू कम हो गई, लॉस था, रिवैल्यूएशन में डेबिट कर दिया और बैलेंस शीट में भी माइनस करके लिख दिया। अब यही बात कि स्टॉक की वैल्यू जो है वो कम हो गई है वो किस किस ढंग से दे सकते हैं, तो ये देखें, पहले क्या लिखा था कि ओवर वैल्यू है, ज्यादा लिखा हुआ है मतलब कम कर दो। दूसरे में क्या लिखा है, स्टॉक वाज डिक्रीज्ड बाय 31,000, सीधे सीधे लिखा हुआ है कि स्टॉक की वैल्यू कम कर दो। और क्या हो सकता है, स्टॉक वाइज डिक्रीज टू 60,000, स्टॉक को कम करके 60,000 कर दो, स्टॉक को कम करके 60,000 कर दो। और पहले 91,000 था, पहले की बैलेंस शीट में 91,000 दिया हुआ है, उसको 60,000 करना है, यानी कितना कम करना है, 31,000। तो एक ही बात अलग अलग ढंग से दी जा सकती है और इन सबका एक ही मतलब है, ये ध्यान रखना है। तो हम पढ़ रहे हैं कि जब शेयरिंग रेशियो चेंज होता है, और शेयरिंग रेशियो कब चेंज होता है, शेयरिंग रेशियो जब कोई पार्टनर एडमिट होता है, नया पार्टनर फॉर्म में आता है तब रेशियो चेंज होता है, जब कोई पार्टनर जाता है तो रेशियो चेंज होता है। इसके अलावा भी पार्टनर्स आपस में एग्रीमेंट करके अपने रेशियो को चेंज कर सकते हैं। इस ढंग से जब भी रेशियो चेंज होता है तो उस टाइम पर असेट और लायबिलिटीज का फिर से वैल्यूएशन, रीअसेसमेंट करके देखा जाता है, असेट का फिर से वैल्यूएशन करके यानी रिवैल्यूएशन करके देखा जाता है। जब रेशियो चेंज होता है लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट होता है, यानी फिर से वैल्यूएशन करके देखते हैं इन चीज़ों को। और इस तरीके से जो भी वैल्यू कम या ज़्यादा हो गई है उसको प्रॉफिट या लॉस दिखाने के लिए एक अकाउंट बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट। अगर किसी प्रॉफिट हुआ है तो क्रेडिट में लिख देंगे और अगर लॉस हुआ है तो डेबिट में लिख देंगे। अगर किसी एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट है, क्रेडिट कर देंगे। अगर किसी एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो लॉस है, डेबिट कर देंगे। अगर किसी लायबिलिटी की वैल्यू कम हो, लायबिलिटी की वैल्यू कम हो तो प्रॉफिट है, लायबिलिटी की वैल्यू इंक्रीज हो लॉस डेबिट में आएगा। और इस ढंग से सभी एसेट लायबिलिटीज का प्रॉफिट रिवैल्यूएशन में लिख कर फाइनल प्रॉफिट जो निकलेगा वो आज तक के शेयरिंग रेशियो में, यानी कि ओल्ड शेयरिंग रेशियो में पार्टनर्स में डिवाइड हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनता है, बैलेंस शीट में रिवैल्यूड एसेट का इफेक्ट कैसे दिखाते हैं, वो चीजें एक एक करके अपन कुछ एग्जाम्पल देखते चले जा रहे हैं। ठीक, तो अभी हमने एक लैंड एंड बिल्डिंग को लेकर देखा कि अगर एक लैंड एंड बिल्डिंग असेट हो तो उसमें अगर रिवैल्यूएशन हो, उसका फिर से वैल्यूएशन हो तो क्वेश्चन में कैसे दिया रहेगा और कैसे लिखेंगे, स्टॉक के बारे में भी ऐसे हमने देखा। अब हम आगे देखते हैं, तो हम लोग देख रहे हैं कि असेट और लायबिलिटीज का जब रिवैल्यूएशन अकाउंट पे इफेक्ट आता है तो प्रॉब्लम में असेट का रिवैल्यूएशन से कनेक्टेड इंफॉर्मेशन कैसे दिया होता है। एक ही बात को अलग अलग ढंग से कहा जा सकता है, ये चीज हमने पीछे भी देखी अलग अलग ढंग से, और बच्चे अक्सर इसमें कंफ्यूज होते हैं। आगे चलकर जब बहुत सारी चीजें आएगी ना तो वहां पे आके हम कंफ्यूज होते हैं, एक ही चीज अलग अलग ढंग से दी होती है, बात सेम होती है, माइनर सा फर्क होता है, लेकिन कभी कभी एक ही चीज अलग अलग ढंग से होती है तो वहां कंफ्यूज हो जाते हैं। तो हमने वो एग्जाम्पल से लेके देखे। अब अगला एक और एग्जाम्पल लेकर देख रहे हैं कि रिवॉल्यूशन से कनेक्टेड
चीज़ें कैसे दी होती है, रिवॉल्यूशन से कनेक्टेड प्रॉब्लम्स कैसे दी होती है। तो देखिए, एक सेंटेंस दिया हुआ है, पार्ट ऑफ स्टॉक विच हैज बीन इंक्लूडेड एट अ कॉस्ट ऑफ 2000, पार्ट ऑफ स्टॉक विच हैज बीन इंक्लूडेड एट कॉस्ट ऑफ 2000, बोला है कि एक स्टॉक के बहुत सारा उसमें से एक पार्ट ऐसा जो कि 2000 का है, हमारे गोडाउन में स्टॉक रखा हुआ है, उसका एक पार्ट जो कि 2000 रुपए का है, वो क्या हैज बीन बैडली डैमेज्ड इन स्टोरेज, वो स्टोरेज में गोडाउन में खराब हो गया, स्टॉक पड़ा हुआ है उसमें से एक स्टॉक जो 2000 का है वो खराब हो गया, कुड ओनली बी एक्सपेक्टेड टू रियलाइज 400, वो स्टॉक 400 रुपए से ज्यादा में नहीं बिक सकता, 2000 का स्टॉक है वो 400 से ज्यादा में नहीं बिक सकता, ये एक्सपेक्टेड है, मतलब 2000 के स्टॉक की वैल्यू कितनी कम हुई, 2000 का स्टॉक 400 रुपए का हो गया, तो 2000 के स्टॉक की वैल्यू कितनी कम हुई, 2000 माइनस 400 1600 रुपीज, यानी ओवरऑल जितना भी स्टॉक दिया है उसमें से 1600 वैल्यू कम कर देती है, इस पूरे सेंटेंस का मतलब ये हुआ। तो देखें, जैसे यहां पे क्वेश्चन में देखें कि स्टॉक कितना दिया हुआ है, 91000, बैलेंस शीट के अंदर स्टॉक कितना दिया हुआ है, 91000, इसमें से एक स्टॉक है 2000 का जो अब 400 का रह गया, मतलब 1600 रुपए वैल्यू कम कर दो, 1600 वैल्यू कम कर दो, तो बैलेंस शीट में जब हम स्टॉक लिखेंगे, बैलेंस शीट में जब हम स्टॉक लिखेंगे तो 91000 का स्टॉक है, 1600 वैल्यू कम हो गई, ये कर दी कम हमने, बैलेंस न्यू बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू 1600 कम कर दी। अब जो ये स्टॉक की वैल्यू 1600 कम की है, ये लॉस है, अगर ये लॉस है तो वो फिर डेबिट में आ जाएगा, तो स्टॉक रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आएगा, क्योंकि लॉस है, डेबिट में लिख देंगे, ये लिख दिया। ऐसे और एग्जांपल्स लेके देखते हैं कि रिवैल्यूएशन में और चीजें क्या क्या आ सकती है। देखिए, स्टॉक से कनेक्टेड एक और एडजस्टमेंट, स्टॉक इंक्लूड्स ₹3000 फॉर ऑब्सोल्यूट आइटम, स्टॉक से कनेक्टेड एडजस्टमेंट समझ रहे हैं हम, स्टॉक इंक्लूड ₹3000 फॉर ऑब्सोल्यूट आइटम, मतलब कि जो अब काम का नहीं है, हमारे गोडाउन में बहुत सारा स्टॉक रखा हुआ है सेल करने के लिए, उसमें 3000 का माल ऐसा है जो बिक ही नहीं रहा है, कई दिन हो गए वो नहीं बिक रहा है, क्यों नहीं बिक रहा है, क्योंकि वो अब मार्केट में उसका कोई यूज नहीं है, आउट ऑफ फैशन हो चुका है, आउट ऑफ वर्किंग हो चुका है, नहीं बिक रहा है, कहने का मतलब उठा के फेंक दो अभी नहीं बिकेगा, स्टॉक में से निकाल के फेंक दो अभी बिकना ही नहीं, किसी के भी काम का नहीं है, तो यानी स्टॉक की वैल्यू 3000 से कम हो गई, स्टॉक उठा के फेंक देंगे तो स्टॉक की वैल्यू कम हो गई। पहले स्टॉक कितना दिया हुआ था, पहले स्टॉक कितना दिया हुआ था, 91000, अब जब हम बैलेंस शीट में लिखेंगे, न्यू वाली बैलेंस शीट में स्टॉक लिखेंगे तो कितना लिखेंगे, 91000 माइनस 3000 यानी 88000, यानी स्टॉक की वैल्यू 3000 से कम हो गई, अगर स्टॉक की वैल्यू 3000 से कम हो गई तो डेबिट में आ जाएगा स्टॉक 3000 रुपीज। तो एक ही आइटम है स्टॉक, उसके बारे में कितने सारे एडजस्टमेंट हो सकते हैं और कितने ढंग से घुमा घुमा के एक ही बात को बोला जा सकता है वो समझा हमने। अब हम जो एसेट में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है इससे कनेक्टेड इंफॉर्मेशन देखते हैं कि इन्वेस्टमेंट अगर मार्क दिया हो क्वेश्चन में तो उसके बारे में क्या क्या चीजें हो सकती है। देखिए, पहले तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिया होता है, ये देखिए क्या एसेट है, और कभी कभी इससे कनेक्टेड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी होता है जो लाइबिलिटी में दिया होता है। मैं रिपीट कर रहा हूँ कि इन्वेस्टमेंट के बारे में किस किस तरह की प्रॉब्लम्स आ सकती है। तो बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है असेट में, कभी कभी सिर्फ असेट में इन्वेस्टमेंट दिया होता है, तो कभी कभी असेट में इन्वेस्टमेंट तो दिया ही होता है और साथ में लाइबिलिटी में फंड भी दिया होता है।
और कभी कभी उसके बारे में नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी होती है। सब चीजों को लेकर एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले अगर इन्वेस्टमेंट सिर्फ बैलेंस शीट के असर में दिया हुआ है, इसके अलावा और कहीं नहीं दिया, पूरी प्रॉब्लम है, वो अलग केस समझेंगे। इन्वेस्टमेंट ओल्ड बैलेंस शीट की असेट में दिया हुआ है, इसके अलावा पूरे क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट के बारे में और कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो असेट में क्या दिया हुआ है कि जो इन्वेस्टमेंट है उसकी बुक वैल्यू है 42,000, प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 42,000 है, और मार्केट में उसकी वैल्यू क्या चल रही है ये देखें। मार्केट में वैल्यू चल रही 42,000, मतलब कहने का मतलब क्वेश्चन में जो लिखा है उसका मतलब कि 42,000 के इन्वेस्टमेंट को 45,000 कर दो। पहले उसकी बुक वैल्यू 42,000 थी, लेकिन अब मार्केट में उसकी वैल्यू 45,000 है, 42,000 के असेट को 45,000 बना दो। तो हम कैसे करेंगे, बैलेंस शीट जब बनाएंगे तब वहां पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट, अभी तक की जो वैल्यू, प्रेजेंट जो वैल्यू है, जो बुक वैल्यू है 42,000, इंक्रीज कितना इंक्रीज करना है 45,000 करना है इसको, तो 3,000 इंक्रीज करके 45,000 बाहर लिख दिया, 42,000 था उसमें इंक्रीज कर दिया 3,000, 45,000 हो गया। ये जो 3,000 इंक्रीज हुआ है ये प्रॉफिट है, ये प्रॉफिट है तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगा, क्योंकि प्रॉफिट्स जो होते हैं वो क्रेडिट में आते हैं। तो बाय इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपीज ये रिवॉल्यूशन अकाउंट के क्रेडिट में लिखा। तो हमने ये समझा कि अगर सिर्फ बैलेंस शीट के असेट में दिया होता तो क्या करते। अब दूसरा केस समझ रहे हैं कि असेट में दिया हुआ है इन्वेस्टमेंट जैसे दिया हुआ है क्वेश्चन में, और साथ में लायबिलिटी में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी दिया हुआ है, अगर ऐसा हो तो क्या करेंगे। पहले फंड नहीं है लायबिलिटी में ये मान के किया, अब इन्वेस्टमेंट तो है ही असेट में और साथ में लायबिलिटी में इन्वेस्टमेंट का फंड भी दिया हुआ है, कैसे करेंगे वो हम समझ रहे हैं। तो देखिए इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी कम हो गई 3,000। अब एक कंसेप्ट होता है कि अगर किसी भी चीज का रिजर्व या फंड बना हुआ है, किसी भी चीज का रिजर्व या फंड बना हुआ है, तो ऐसे में उससे कनेक्टेड जो भी प्रॉफिट्स आएंगे, जो भी लॉसेस आएंगे, वो रिवेन्यू अकाउंट में नहीं जाएंगे, वो रिवेल्यूशन अकाउंट में नहीं जाएंगे, न तो पीएनएल अकाउंट में जाएंगे वो प्रॉफिट लॉसेस, न रिवॉल्यूशन अकाउंट में, यानी किसी भी रेवेन्यू अकाउंट में नहीं जाएंगे। मैं बात रिपीट कर रहा हूं, अगर किसी भी चीज का फंड या रिजर्व बना हुआ हो और ऐसे में उससे कनेक्टेड कोई इनकम हो, कोई प्रॉफिट हो, कोई गेन हो या कोई लॉस हो, तो वो प्रॉफिट या वो लॉस वो रिवॉल्यूशन अकाउंट में नहीं जाएगा, न पीएनएल अकाउंट में जाएगा, वो फंड में एडजस्ट होगा। उस फंड से कनेक्टेड जो भी प्रॉफिट आएगा वो फंड में जाके एड होगा, लॉस हुआ तो फंड में जाके माइनस होगा। तो इस ढंग से यहां पर देखे कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू जो है वो 3,000 कम हो रही है और इधर फंड दिया हुआ है 15,000 का, तो वो जो 3,000 का लॉस है वो फंड में से एडजस्ट कर लेंगे, रिवॉल्यूशन के डेबिट में नहीं ले जाएंगे। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बैलेंस शीट में तो कम करेंगे, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बैलेंस शीट में तो 3,000 से कम करेंगे ही करेंगे, ये कर दिया हमने कम, लेकिन वो जो 3,000 कम हुआ है वो हम रिवॉल्यूशन में डेबिट में ना ले जाते हुए उसको हम फंड में से कम कर देंगे, तो फंड में रह जाएंगे 12,000 रुपए, और ये जो फंड में बाकी का अमाउंट रह गया ये पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, पार्टनर्स में डिवाइड करके कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट और पार्टनर्स में यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे ओल्ड रेशो में। आज तक जो शेयरिंग रेशो चला रहा था विच इज कॉल्ड ओल्ड शेयरिंग रेशो, उस रेशो में इस बचे हुए फंड के अमाउंट को यहाँ पे डिवाइड कर देंगे। मान लो कि कैपिटल अकाउंट है और ये ABC तीन पार्टनर है, इस हम 2 मिनट के लिए मान लेते हैं ABC तीन पार्टनर्स है, और शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है, फंड में 15,000 थे, 3,000 का लॉस एडजस्ट कर लिया इन्वेस्टमेंट का तो 12,000 बच गए, और शेयरिंग रेशियो 3:2:1 है तो इनटू 3/3:2:1 यानी टोटल हुआ 6, तो 3/6 ये हो गया एक शेयर का प्रॉफिट। फंड
12,000 जो फंड में बचे थे उसमें बी को शेयर मिलेगा 2/6, बी का शेयर 2 है और टोटल 6 है। सी को मिलेगा बचे हुए अमाउंट में 12,000 में 1/6, इससे बचा हुआ फंड भी डिवाइड कर देंगे और वो लॉस उसमें एडजस्ट भी कर लेंगे, यानी लॉस को रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं ले जाएंगे। दूसरा, अब अगर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट, अगला पॉइंट समझा रहा हूं, बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दिया है एसेट में, लायबिलिटी में फंड भी दिया हुआ है और साथ में एडजस्टमेंट में क्या दिया हो सकता है वो देखते हैं। तो फर्स्ट, एडजस्टमेंट में ऐसा दिया हो सकता है कि इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, इस इन्वेस्टमेंट को मार्केट प्राइस पर लेके आओ। तो ये बात नहीं भी बोली होती तो अंडरस्टूड है, जब यहाँ पे लिखा था इन्वेस्टमेंट मार्केट वैल्यू 45,000 और बुक वैल्यू 42,000, उसका मतलब ही, इस सेंटेंस का मतलब ही होता है कि इन्वेस्टमेंट को मार्केट प्राइस पर लेके आना है, 42 वाली वैल्यू को 45,000 कर देना है। तो यहाँ पे स्पेसिफाई करा हुआ है, तो भी बात एक ही, कोई नई चीज नहीं बोली। तो जो नई ये सेंटेंस नहीं भी होता तो जो हम कर रहे थे वही करते। अब इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ और भी दिया जा सकता है, तो वो क्या दिया जा सकता है वो देखें। इन्वेस्टमेंट टुक ओवर बाय भावेश एट मार्केट प्राइस, भावेश एक पार्टनर है, उसने इन्वेस्टमेंट को ले लिया। अगर भावेश ने इन्वेस्टमेंट को ले लिया तो फिर इन्वेस्टमेंट को बैलेंस शीट में नहीं दिखाया जाएगा। बाकी सब इन्वेस्टमेंट में जो हम कर रहे थे सब कुछ वही करेंगे, लेकिन इन्वेस्टमेंट भावेश ने ले लिया तो अब ये बैलेंस शीट में नहीं आएगा। जैसे हम पहले लिख रहे थे बैलेंस शीट में नहीं आएगा, तो फिर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो कहाँ आएगा? भावेश ने ले लिया था, भावेश एक पार्टनर है तो भावेश ने इन्वेस्टमेंट ले लिया था, भावेश के अकाउंट में डेबिट कर देंगे। भावेश रिसीवर है तो भावेश को डेबिट कर दो, जितने में इन्वेस्टमेंट लिया मार्केट प्राइस पे लिया है तो मार्केट प्राइस 45,000 दी हुई है क्वेश्चन में, उस प्राइस पे लिख देंगे। तो इस से इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो भी इंक्रीज डिक्रीज करनी है वो कर देंगे। अगर फंड बना हुआ है तो फंड में एडजस्ट कर लेंगे जो भी वैल्यू कम ज़्यादा हुई है, अगर फंड नहीं बना हुआ है तो रिवैल्यूएशन में लिख देंगे जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट अगर किसी पार्टनर ने नहीं लिया है तो असल में दिखा देंगे, अगर पार्टनर ने ले लिया है तो फिर पार्टनर के अकाउंट में डेबिट कर देंगे जिस पार्टनर ने लिया है। अगली चीज समझते, एक और एडजस्टमेंट समझते इन्वेस्टमेंट से कनेक्टेड, इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट मार्केट प्राइस। ये तो बिल्कुल सेम, इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट मार्केट प्राइस, इन्वेस्टमेंट वैल्यूड एट मार्केट प्राइस एक ही बात है। ये तो अगली चीज देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट टुक ओवर बाय भावेश एट मार्केट प्राइस, सेम चीज वापस से रिपीट हो रही है, तो नहीं देख रहे इसको। इन्वेस्टमेंट टुक ओवर बाय भावेश एट मार्केट प्राइस अगेंस्ट कैश पेमेंट, अगेंस्ट कैश पेमेंट ये नई चीज आ गई। इन्वेस्टमेंट को मार्केट प्राइस पर भावेश ने ले लिया तो जो भी वैल्यू इंक्रीज हुई है वो या तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट में जाएगी अगर फंड नहीं है इन्वेस्टमेंट का, तो वैल्यू इंक्रीज हुई है अगर फंड दिया है तो फंड में प्लस कर देंगे। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट मार्केट भावेश ने लिया तो है लेकिन कैश में लिया है, तो अगर कैश में लिया है तो ऐसे में फिर वो भावेश के अकाउंट में डेबिट नहीं होगा, कैपिटल अकाउंट में भावेश के अकाउंट में डेबिट नहीं होगा। तो फिर जो बैलेंस शीट में जो भी कैश का या बैंक का बैलेंस दिया रहेगा वो उसमें प्लस करके बैलेंस शीट में दिखा देंगे। बैलेंस शीट में जब हम कैश लिखेंगे, रिवाइज्ड कैश लिखेंगे, कैश का रिवाइज्ड बैलेंस लिखेंगे, तो उसमें ये जो भावेश से पैसा आया है इन्वेस्टमेंट का 45,000 वो प्लस करके लिख देंगे। जो इन्वेस्टमेंट भावेश ने लिया है वो उसके अकाउंट में डेबिट नहीं करेंगे क्योंकि उसने अलग से हमको पैसे दे दिए हैं, तो वो कैश में यहाँ पर जो भी कैश या बैंक का जो बैलेंस आएगा जो भी क्वेश्चन में दिया होगा उस बैलेंस में वो 45,000 इन्वेस्टमेंट पर प्लस करके लिख देंगे। तो आगे समझ रहे हैं, देखिए एक और एडजस्टमेंट हम ले रहे हैं, ये एडजस्टमेंट नंबर 12 देखते हैं अब। तो देखिए एक और एडजस्टमेंट, देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर वैल्यूड एट 24,000, हमारे पास एक टाइपराइटर है जिसकी वैल्यू 2400 है, इट डज नॉट अपियर इन दी बुक्स ऑफ दी फर्म, ये बुक्स में नहीं दिया हुआ है, हमारे अकाउंटिंग बुक के अंदर टाइपराइटर नहीं है, मतलब असेट है फर्म के पास लेकिन बुक्स के हिसाब से कोई वैल्यू नहीं है, इसलिए बुक्स में उसको नहीं लिखा हुआ है। बुक के हिसाब से अगर अकाउंटिंग बुक उठाओ तो हमारे पास ये असेट ही नहीं है जबकि एक्चुअली है हमारे पास। तो आगे क्या लिखा है, इट इज नाउ
टू बी रिकॉर्डेड। अब इसको रिकॉर्ड में लेके आओ, जब असर हमारे पास है तो हमारी अकाउंटिंग बुक के अंदर भी उसका रिकॉर्ड भी तो होना चाहिए ना, अकाउंटिंग बुक के अंदर उसको लिखना चाहिए। सो ये डिसाइड हुआ है कि भाई हमारे पास असेट है, बुक में नहीं लिखी है, तो अब लिख दो, बैलेंस शीट में वो असेट भी इंक्लूड करो। तो कैसे करेंगे? तो जब हम न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो न्यू बैलेंस शीट के अंदर टाइपराइटर को दिखा देंगे। टाइपराइटर एक असेट है, ये हमने असेट में दिखा दिया, यानी हमारी एक और असेट इंक्रीज हो गई। अगर असेट इंक्रीज हुई है तो ये हमारा प्रॉफिट है कि लॉस है? ये प्रॉफिट है। अगर प्रॉफिट है तो रिवैल्यूएशन में किस साइड जाना चाहिए? लॉसेस जाते डेबिट में, प्रॉफिट जाते क्रेडिट में। ये हमारा प्रॉफिट है, हमारी एक असेट बड़ी है, कोई पेमेंट तो किया नहीं है, बिना पे असेट पड़ी थी वो हमने अकाउंट में लेके आ गए, तो बस कोई पेमेंट तो अलग से करा नहीं, तो ये तो हमारा प्रॉफिट हो गया। प्रॉफिट हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे। एक और एडजस्टमेंट देखते हैं, हम देख रहे हैं कि जब शेयरिंग रेशियो चेंज होता है उस समय कौन कौन से रिवैल्यूएशन से कनेक्टेड एडजस्टमेंट दिए जा सकते हैं और किस किस ढंग से दिए जा सकते हैं और उनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, ये चीजें हम समझ रहे हैं। तो टाइपराइटर के बारे में जो अभी हमने एक सेंटेंस पढ़ा, यही चीज एक और ढंग से दी जा सकती है। देखिए क्या लिखा है, इतना बड़ा सेंटेंस शॉर्ट करके एक और ढंग से दे सकते हैं। देखो कैसे, ओल्ड टाइपराइटर फॉर रुपीज 2400 वाज नॉट रिकॉर्डेड। एक टाइपराइटर 2400 का जो नहीं है बुक्स में, कहने का मतलब बुक्स में लिखो, असेट में नहीं लिखा हुआ है तो असेट में इसको इंक्लूड करो, तो इसको असेट में लिख देंगे और प्रॉफिट हो गया, असेट बढ़ गई तो प्रॉफिट हो गया, तो रिवैल्यूएशन में क्रेडिट कर देंगे। यानी सेम चीज दूसरे ढंग से भी दी हुई है। तो दोनों देखें, ये दोनों एक ही बात, इन दोनों सेंटेंस में एक ही बात बोली हुई है, तो किसी भी ढंग से क्वेश्चन में दिया जा सकता है। एक और देखिए, अनरिकॉर्डेड असेट से कनेक्टेड एक और एडजस्टमेंट। तो देखिए एडजस्टमेंट नंबर 13, देयर इज एन ओल्ड टाइपराइटर वैल्यूड एट 2400। हमारे पास एक ओल्ड टाइपराइटर रखा हुआ है 2400 का, इट डज नॉट अपियर इन दी बुक्स ऑफ दी फर्म। ये बुक्स में नहीं है, बैलेंस शीट में जो भी असेट्स है उनमें ये इंक्लूड नहीं है। इट इज नाउ टू बी टुक ओवर बाय अमित एट सेम वैल्यू। जो एक पार्टनर है अमित, उसने इसको ले लिया। अमित ने ये टाइपराइटर, बिजनेस के असेट है टाइपराइटर, भले बुक्स में नहीं है लेकिन है तो बिजनेस की असेट, कभी ना कभी लाए तो होंगे, भले बुक्स में उसको नहीं लिखा है, बुक में उसकी डेप्रिसिएशन लगाते लगाते वैल्यू जीरो हो गई होगी, जबकि एक्चुअली असेट हमारे पास रखी हुई है, कुछ भी हो सकता है। तो ये बिजनेस की एक असेट है, इसको पार्टनर अमित ले जा रहा है। अगर अमित ले जा रहा है तो अमित रिसीवर है, तो अमित जो पार्टनर है उसको डेबिट कर दिया जाए। अमित एक पार्टनर है, उसने टाइपराइटर ले लिया है, यानी फर्म के हिसाब से वो रिसीवर है, और रिसीवर है तो डेबिट कर देंगे उसके अकाउंट में, ये डेबिट कर दिया। अगर अमित के अकाउंट में डेबिट कर दिया मतलब अमित के अकाउंट में से पैसे कट गए, उसका बैलेंस कम हो गया, जो भी बैलेंस है वो बैलेंस कम हो जाएगा उसका। अब अमित ने ले लिया, अमित का बैलेंस तो काट दिया, पर ये फर्म के लिए प्रॉफिट भी तो हो गया, फर्म की असेट अमित ने कहा मैं ले जाता हूं, ले जा भाई, उसके अकाउंट में डेबिट कर दिया, उसके अकाउंट में से पैसे काट दिए, तो ये फर्म के लिए प्रॉफिट हो गया। अगर ये प्रॉफिट हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में लिख देंगे बाय टाइपराइटर 2400, बाय टाइपराइटर 2400। फिर देखिए आगे अगला एडजस्टमेंट देखते हैं हम। तो हम एक एक करके रिवैल्यूएशन से कनेक्टेड एडजस्टमेंट लिख रहे हैं कि क्वेश्चन के अंदर रिवैल्यूएशन अकाउंट जो बनाया जाता है उससे कनेक्टेड क्या क्या इंफॉर्मेशन यानी कि एडजस्टमेंट दिए जा सकते हैं और उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होता है, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे उनको लिखा जाता है। तो एक और पॉइंट एडजस्टमेंट नंबर 14 देख रहे हैं हम, स्टॉक रिवैल्यूड एट 85,000। स्टॉक जो है वो 85,000 का हो गया। पहली बात कि जो स्टॉक है वो चाहे जितने का भी था वो अब उसकी वैल्यू 85,000 हो गई, पहली बात। और दूसरी बात इसी पॉइंट के अंदर क्या दी है, इट इज टेकन बाय अमित एंड भावेश। और ये स्टॉक जो है वो अमित और भावेश ने ले लिया, और ये दोनों पार्टनर है, अमित और भावेश ने ले लिया एट दिस वैल्यू, इसी प्राइस पर 85,000 पे ही ले लिया,
85,000 पर ही ले लिया, पर अमित और भविष्य ने किसने कितना रखा है स्टॉक, तो आगे लिखा है इन देयर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। आगे क्या लिखा है, इन देयर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। पहली बात, स्टॉक जो है वो 85,000 का होगा, पहले तो इसको देख लेते हैं। तो देखिए बैलेंस शीट में स्टॉक कितना, क्या बैलेंस शीट में स्टॉक की वैल्यू क्या दी हुई है, जो पुरानी बैलेंस शीट है उसमें स्टॉक की वैल्यू क्या दी हुई है, 91,000। और अब ये स्टॉक जो है वो कितने का हो गया, हम एडजस्टमेंट नंबर 14 पढ़ रहे थे, वो स्टॉक कितने का हो गया, 85,000 का हो गया। 91,000 वाला स्टॉक 85,000 हो गया, मतलब लॉस हो गया। अगर लॉस हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट में आए। 91,000 वाला स्टॉक जो है वो 85,000 का हो गया, डेबिट में आ जाएगा। अब जो 85,000 का स्टॉक है वो अमित और भावेश ने रख लिया, तो अमित और भावेश के कॉलम में डेबिट में लिख देंगे टू स्टॉक। अमित और भावेश ने ये स्टॉक ले लिया है, क्वेश्चन में बोला था ना कि एंड इट इज टेकन बाय अमित एंड भावेश, इट दिस वैल्यू इसी प्राइस पे ले लिया, इन देयर प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो। तो अमित और भावेश ने स्टॉक ले लिया है, वो रिसीवर है, तो उनके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, 85,000 में लिया है। मान लेते कि अमित और भावेश का शेयरिंग रेशियो 3:2 है, 3:2 मतलब 5, तो अमित के अकाउंट में जाएगा 85,000 इंटू 3/5, 3 अमित का है तो 2 भावेश का है, भावेश में जाएगा 85,000 इंटू 2/5, रेशो 3:2 है, मतलब भावेश का रेशो 2 हुआ, टोटल 5 है। तो इस ढंग से दोनों ने जो 85,000 स्टॉक रखा वो 51,000 एंड 34,000 रखा, दोनों के अकाउंट में डेबिट, क्योंकि दोनों रिसीवर है। और अब ये स्टॉक बैलेंस शीट पे नहीं जाएगा, अब ये स्टॉक बैलेंस शीट में नहीं जाएगा। तो हम पढ़ रहे हैं कि एडजस्टमेंट्स रिवैल्यूएशन से कनेक्टेड जो होते हैं वो किस किस टाइप के दिए जा सकते हैं, ये हर एक एडजस्टमेंट अपने आप में एक सेपरेट क्वेश्चन मान के देखिएगा हर एक पॉइंट। तो इतने सारे पॉइंट में से कोई सा भी पॉइंट किसी क्वेश्चन में आ सकते हैं, सबके सब तो आ नहीं सकते क्योंकि सब चीजें अलग अलग है, या तो बढ़ेगा या घटेगा, दोनों चीजें एक साथ देंगे नहीं, वैल्यू हटेगी या जोड़ेगी, दोनों चीजें एक साथ तो नहीं देंगे, एक ही असेट से कनेक्टेड, एक ही लाइब्रेरी से कनेक्टेड, दोनों चीजें एक साथ तो नहीं आएगी। तो ये सभी अपने आप पे सेपरेट क्वेश्चन, ये मान के समझिएगा हर पॉइंट को। अब मान लो कि किसी क्वेश्चन में ये पॉइंट आ गया तो क्या करेंगे, पॉइंट क्या है देख लेते हैं, स्टॉक वर्थ 50,000 वाज टेकन ओवर बाय अमित एंड भावेश। पहले क्या था, स्टॉक पहले 8 का वैल्यूएशन किया, वो 85 का हो गया, फिर 85,000 में अमित और भावेश ने ले लिया, और अब क्या बोला है, स्टॉक वर्थ 50,000 वाज टेकन और बाय अमित भावेश, उसका वैल्यूएशन किया फिर अमित ने लिया, ऐसा नहीं है। पिछले सेंटेंस और इस सेंटेंस में फर्क समझिएगा, बहुत बारीक फर्क है दोनों के अंदर, बहुत ही माइनर डिफरेंस है दोनों में, और दोनों का मतलब अलग अलग है, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो समझिएगा, पहले क्या लिखा था कि जितना भी स्टॉक था उस पूरे स्टॉक का वैल्यूएशन किया तो 85 का है, उसका 85 का मानना है, और फिर 85 में अमित और भावेश ने ले लिया। लेकिन यहां पे लिखा है स्टॉक वर्थ 50,000 वाज टेकन और बाय अमित एंड भावेश, इसका मतलब कि भाई जितना भी स्टॉक है वो पूरा उसकी वैल्यू 50,000 हो गई, ऐसा नहीं, जितना भी स्टॉक है उसमें से 50,000 का स्टॉक, जितना भी है उसमें से 50,000 का स्टॉक अमित और भावेश ने ले लिया एट बुक वैल्यू पे, यानी 50,000 का स्टॉक 50,000 में ही लिया। पिछले क्वेश्चन में था स्टॉक जितना भी है पहले तो 85 का हो गया ये मानो, फिर उसका अमित और भावेश ने ले लिया, लेकिन अभी बोला है कि नहीं स्टॉक जो जितने का था उतने का ही है, उसमें से 50,000 का अमित और भावेश ने लिया है और बुक वैल्यू पे लिया है, यानी स्टॉक की वैल्यू बढ़ी नहीं है, स्टॉक की वैल्यू घटी भी नहीं है, स्टॉक की वैल्यू वहीं की वहीं है, उसमें से एक पार्ट अमित और भावेश ने ले लिया, और किसने कितना लिया, इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लिया है, ठीक। एंड आगे लिखा है And remaining stock was valued at 48,000. और जो बाकी का स्टॉक बचा वो 48,000 का हो गया। अब
इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा। पहले तो 50,000 का स्टॉक अमित और भावेश ने ले लिया तो उनके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। जो 50,000 का स्टॉक अमित और भावेश ने लिया है वो उनके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। अमित और भावेश का शेयरिंग रेशियो 3:2 है, 3:2 है, तो अमित के अकाउंट में डेबिट होगा 50,000 × 3/5, तो भावेश के अकाउंट में डेबिट होगा 50,000 × 2/5। तो 50,000 का स्टॉक खत्म हो गया। अब देखिए बैलेंस शीट में स्टॉक कितना दिया हुआ है पहले से, तो बैलेंस शीट में जो स्टॉक दिया हुआ है वो देखते हम। देखिए बैलेंस शीट में जो स्टॉक दिया हुआ है वो दिया हुआ है 91,000 का। 91,000 में से 50,000 का स्टॉक तो ले लिया है अमित भावेश ने 91,000 में से, बाकी बचा 41,000। और 41,000 के बारे में क्या दिया हुआ है वो हम देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 15 चल रहा था। रिमेनिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट 48,000, जो बाकी का 41,000 का स्टॉक बचा है अब उसकी वैल्यू 48,000 हो गई, यानी वैल्यू बढ़ गई, यानी वैल्यू बढ़ गई। अगर वैल्यू बढ़ गई है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आएगी। 41,000 का स्टॉक जो है वो 48,000 का हो गया, तो वैल्यू कितनी बढ़ गई, 7,000, ये दिखा दिया। और ये रिमेनिंग स्टॉक यानी स्टॉक बचा है हमारे पास तो फिर बैलेंस शीट में भी आएगा, जो रिमेनिंग स्टॉक है वो बैलेंस शीट में भी आएगा। और किस प्राइस पे आएगा, 48,000, ये लिख दिया 48,000 वैल्यू पर आएगा। जबकि इसके पहले वाले एडजस्टमेंट को ध्यान दे के सुने, इसके पहले वाले जो एडजस्टमेंट था वो क्या था, स्टॉक रिवैल्यूड एट 85,000 एंड इट इज टेकन ओवर बाय अमित एंड भावेश। जितना भी स्टॉक है उसकी प्राइस 85,000 हो गई, फिर इसी प्राइस पे अमित भावेश ने ले लिया, मतलब कि स्टॉक बचा ही नहीं, पूरा का पूरा स्टॉक अमित भावेश ने ले लिया, बैलेंस में स्टॉक नहीं आया था। लेकिन अभी वाले केस में क्या है कि कुछ पार्ट अमित भावेश ने लिया है और रिमेनिंग का की वैल्यू 48,000 मानी गई, हमने रिमेनिंग स्टॉक को बैलेंस में 48,000 पे दिखा दिया। ठीक है, अगले पॉइंट पे आते हैं और अगला पॉइंट अगला केस लेते हैं। देखिएगा अभी तक जो हम एडिशन देख रहे थे वो असेट से कनेक्टेड थे, अब लायबिलिटीज का रीअसेसमेंट देखते हैं। अगर लायबिलिटी का रीअसेसमेंट करके देखा जाए, फिर से असेसमेंट करके देखिए कि लायबिलिटी के एक्चुअल पेएबल अमाउंट कितना है और बुक वैल्यू कितनी है, जो भी है वो इंक्रीज डिक्रीज करना है, तो इससे कनेक्टेड प्रॉब्लम में क्या क्या इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। तो पहली इंफॉर्मेशन जो क्रेडिटर से कनेक्टेड है, देखिए एडजस्टमेंट नंबर 16, अ क्रेडिटर ऑफ रुपीज 6,000 वाज नॉट लाइकली टू बी क्लेम द अमाउंट। बोला है कि एक क्रेडिटर से 6,000 का वो क्लेम नहीं करेगा, वो पैसे नहीं मांगेगा। 6,000 क्रेडिटर्स में जितने भी क्रेडिटर्स हैं उसमें 6,000 का एक ऐसा अमाउंट इंक्लूड है, वो ऐसा क्रेडिटर है जो क्लेम नहीं करेगा, वो अमाउंट नहीं मांगेगा, हैंस वाज टू बी रिटर्न ऑफ, इसलिए उसको खत्म कर दो क्रेडिटर्स में से, उसकी लिस्ट में दे, लिस्ट में से हटा दो उसका नाम, अब उसको पेमेंट नहीं करना है, रीजन जो भी हो नहीं पेमेंट करना है। मान लो कि जो क्वेश्चन दिया हुआ है उस क्वेश्चन में क्रेडिटर्स जो दिए हुए, ऐसा मान लेते दो मिनट के लिए कि 40,000 दिए हुए, 40,000 क्रेडिटर्स क्वेश्चन के बैलेंस में दिया हुआ है। अब जो न्यू बैलेंस शीट बनाएंगे तो हम उसमें क्रेडिटर्स की वैल्यू 6,000 कम करके लिखेंगे। तो मान लेते हैं कि क्वेश्चन में क्रेडिटर्स कितने दिए हुए हैं 40,000 के, उसमें से कितने कम हो जाएंगे, कितने रिड्यूस हो जाएंगे, 6,000, 6,000 माइनस करके जो बाकी का अमाउंट बचेगा वो बाहर ले देते हैं 34,000। अब क्रेडिटर्स कम हो गए, हमारी एक लायबिलिटी कम हुई, अगर एक लायबिलिटी कम हुई तो ये तो हमारा प्रॉफिट हो गया, अगर ये प्रॉफिट हो गया तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में आ जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में 6,000 से क्रेडिटर्स कम हुए, 6,000 का प्रॉफिट है, रिवैल्यूएशन क्रेडिट में 6,000 आएगा। अब यही वाली बात देखे आगे आगे देखे, हम एडजस्टमेंट जो कर रहे थे सिक्स्थ, यही वाली बात देखे एक और ढंग से दी जा सकती है लैंग्वेज चेंज करके, लेकिन बात सेम है, ट्रीटमेंट सब कुछ सेम होगा। क्या दे सकते,
It is found that creditors include a sum of 6,000. हमने ये देखा कि creditors में एक 6,000 का amount included, which was not to be paid, उसका payment नहीं होना है. तो बात तो सेम ही बोली है, कोई अलग बात तो बोली नहीं. पर अक्सर स्टूडेंट्स क्या है कि लैंग्वेज चेंज होने से उलझ जाते हैं जबकि चीज़ें सेम होती हैं. अगर हम कोई इस सेंटेंस की एंट्री आ गई है करने, तो ये भी उससे अलग, सॉरी सेम ही बातें सिर्फ अलग ढंग से बोली गई है. अभी हम इसलिए नहीं उलझ रहे हैं क्योंकि हमने सेपरेटली देख रहे हैं चीज़ों को. आगे चलकर ये जब सभी पॉइंट मिक्स होकर आएंगे एक ही चीज़ को किसी एक क्वेश्चन में एक लैंग्वेज में, तो वही बात किसी दूसरे क्वेश्चन में किसी और लैंग्वेज में दी होती है, तो हम उलझने लग जाते हैं. जब एक चीज़ होती है तो बहुत इजी लगती है, जब दो चीज़ें हो जाती है थोड़ी सी पहले वाली चीज़ थोड़ी सी टफ लगने लग जाती है, जब ऐसे हंड्रेड सब चीज़ें सामने आती है तो चीज़ें टफ लगने लग जाती है. तो उनको अगर हम ध्यान से सुन लें, उनको माइंड में बैठा दें, एक एक चीज़ की लैंग्वेज को ध्यान से पकड़े, माइंड में बैठाते चले कि क्या होता है इस सेंटेंस का मतलब, लैंग्वेज पे कमांड करते जाए, चीज़ें नहीं उलझेगी. फिर वो किसी भी लैंग्वेज में या किसी भी ढंग से दे दे, हमारी लैंग्वेज पे कमांड है, हम चीज़ को समझते हैं, हम पकड़ लेंगे बात को और सही ढंग से उसका एडजस्टमेंट करा देंगे. तो एक और एडजस्टमेंट देखते हैं. क्रेडिटर्स इंक्लूड कंटिंजेंट लायबिलिटी ऑफ 4,000. क्रेडिटर्स में एक 4,000 कंटिंजेंट लायबिलिटी इंक्लूड है. कंटिंजेंट लायबिलिटी मतलब अनसर्टन लायबिलिटी. 4,000 पे क्रेडिटर लिख दिए, पेमेंट 4,000 करना है कि नहीं करना है, ज़्यादा करना है कम करना है अभी फाइनल नहीं है. हमने इंक्लूड कर दिए कि 4,000 देने पड़ेंगे, हमने तो इंक्लूड कर दिया है बुक में. 4,000 क्रेडिटर्स में इंक्लूड है, मतलब फॉर्म मान के चल रही कि 4,000 देना पड़ेगा, लेकिन वो अभी कंटिंजेंट है, वो अनसर्टन है, देने भी है कि नहीं देने अभी फाइनल नहीं है. अब इस कंटिंजेंट लायबिलिटी के बारे में क्या लिखा है, विच हैज टू बी डिसाइडेड बाय कोर्ट. अब कोर्ट ने डिसीजन दिया है इस 4,000 रुपए के बारे में, इसका मतलब किसी को 4,000 देने होंगे. उसके बारे में कोर्ट में केस चल रहा था, अभी पक्का नहीं है कि देना है कि नहीं देना है, ज़्यादा देना है कम देना है पक्का नहीं है. तो अब उसका डिसीजन आ चुका है, विच हैज बिन डिसाइडेड बाय कोर्ट 8,3200. कोर्ट कहती है भाई आपको उसको 3,200 देने पड़ेंगे. इंटरनली हम जानते हैं कि हमने 4,000 पे हमने प्रोविजन करके रखा है, हमने तो इंटरनली 4,000 पे क्रेडिटर से इंक्लूड करके रखे थे कि 4,000 देना ही देना है. पर अभी क्यों दें, कोर्ट में डिसीजन आने तो हो सकता है कोर्ट मना कर दे कि नहीं देना है, हो सकता है ज़्यादा देना पड़े, कुछ भी नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकते. तो कोर्ट ने डिसीजन दे दिया भाई देने तो पड़ेंगे पैसे, पर 3,200 4,000 नहीं. तो हमारे क्रेडिटर्स में 4,000 इंक्लूड है और देना 3,200 ही, मतलब क्रेडिटर्स कितने से कम हो गए, 4,000 हमने क्रेडिटर्स में इंक्लूड कर रखे हैं और बदले में हमको देना 3,200 ही. कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि आपको तो 3,200 देने पड़ेंगे, 4,000 नहीं देने पड़ेंगे, यानी हमारी लायबिलिटी 800 से कम हो गई, हमारी लायबिलिटी 800 से कम हो गई, 4,000 एंड 3,200 का डिफरेंस 800. तो 800 से क्रेडिटर्स कम हो गए तो ये हमारा प्रॉफिट हो गया. अगर ये प्रॉफिट हो गया तो लायबिलिटी में रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट में 800 रुपीज प्रॉफिट दिखा देंगे, रिवॉल्यूशन क्रेडिट में 800 प्रॉफिट जो क्रेडिटर्स कम हुए थे वो दिखा दिए. तो अगला पॉइंट समझते हैं क्रेडिटर से कनेक्टेड. देखो एक डिफरेंट पॉइंट है, ये दूसरा पॉइंट है. क्रेडिटर्स आर टू बी पेड 2,000 मोर. क्रेडिटर्स को 2,000 ज़्यादा देना है, जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनसे 2,000 उनको ज़्यादा देना है. तो जो क्रेडिटर को 2,000 ज़्यादा देने पड़ेंगे तो बैलेंस शीट में क्रेडिटर में 2,000 ऐड कर देंगे, बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स में 2,000 ऐड कर देंगे, जितने भी क्रेडिटर्स दिए हुए उनमें ऐड कर देंगे, ऐड क्रेडिटर्स में क्या करेंगे ऐड कर देंगे, ऐड इंक्रीज्ड 2,000 रुपीस. अब क्रेडिटर्स अगर इंक्रीज हो गए तो ये तो लॉस हो गया, लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी का बढ़ना तो लॉस होता है, तो फिर पेमेंट ज़्यादा करना है तो ये लॉस है, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में भी लिखेंगे 2,000 रुपीस. ठीक है, इस तरीके से एक ही चीज ऐसे लिखी जा सकती है. एडजस्टमेंट में क्या दिया उसका क्या ट्रीटमेंट होगा वो हमने समझा. अब यही वाली बात क्रेडिटर को 2,000 ज्यादा पेमेंट करना है, यही बात एक और ढंग से दी जा सकती है. देखो क्रेडिटर्स वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंड ऑफ 2,000. 2,000 क्रेडिटर्स को देना है पर वो रिकॉर्ड में है ही नहीं,
वो क्रेडिटर्स में इंक्लूड ही नहीं है, कहने का मतलब तो जितने भी क्रेडिटर्स हैं उनमें 2000 पे ऐड करके लिखना है। क्रेडिटर्स 40,000 के हैं, उनमें जो क्रेडिटर हमने रिकॉर्ड में नहीं है उनको रिकॉर्ड में लाना है, तो दो और देना है, 42 देना है, कर दिया, और ये हमारा लॉस है, तो रिवैल्यूएशन डेबिट में लिख दिया। तो बात एक ही थी, ये दूसरे ढंग से बोली हुई थी। अब दूसरी बात देखते हैं। तो देखिए, एक दूसरा एडजस्टमेंट ले रहे हैं हम, बिल्स फॉर 2000 एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर वर नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। क्रेडिटर से उनमें एक 2000 का क्रेडिटर है, उसका हमने एक बिल एक्सेप्ट किया है, मतलब हमने उसको बिल्स पेबल दिया है। बिल एक्सेप्ट किया है मतलब यहां पे बिल आप एक्सचेंज से है, इसका मतलब एक क्रेडिटर है 2000 रुपए का, एक पर्सन है जिसको 2000 रुपए देने हैं, हमने उसको लिख कर दे दिया कि इस डेट को पेमेंट करेंगे, लिख कर दे दिया मतलब हमने उसको बिल्स ऑफ एक्शन दे दिया, मतलब उसके बिल ऑफ एक्शन पे एक्सेप्टेंस दे दी। जब किसी क्रेडिटर्स को एक्सेप्टेंस दे दी जाती है, बिल्स पेबल दे दिया जाता है, तो उस टाइम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, क्रेडिटर्स में से अमाउंट कम कर दिया जाता है और बिल्स पेबल में एड कर दिया जाता है। क्रेडिटर्स में से अमाउंट कम कर दिया जाता है और बिल्स पेबल में एड कर लेते हैं। मान लेते हैं कि क्वेश्चन में बिल्स पेबल दिया हुआ है और बिल्स पेबल जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 12,000 रुपीस और क्रेडिटर्स दिए हुए 40,000 रुपीस। क्रेडिटर 40,000 के, बिल्स पेबल 12,000 के। जब न्यू बैलेंस शीट बनेगी तो क्रेडिटर फिर से अमाउंट कम कर देंगे जितने के एक्सेप्टेंस दिए और वही अमाउंट बिल्स पेबल में एड कर देंगे। तो क्वेश्चन में पॉइंट क्या चल रहा था कि बिल फॉर 2000 एक्सेप्टेड फ्रॉम क्रेडिटर वर नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। तो जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे तो वहां पे क्या करेंगे, क्रेडिटर्स में से लेस कर देंगे, लेस बिल्स पेबल या लेस एक्सेप्टेंस 2000 रुपीस। उधर जो बिल्स पेबल दिए हुए हैं 12,000 रुपीस के, उसमें एड कर देंगे, एड क्रेडिटर्स 2000 रुपीस या एड एक्सेप्ट न्यू एक्सेप्टेंस 2000 रुपीस, उसको एड कर देंगे। इस तरीके से क्रेडिट बिल्स पेबल हो गए 14,000। तो एक लायबिलिटी थी जो एक जगह से कम होकर दूसरी जगह इंक्रीज हुई है, एक लायबिलिटी है जो एक लायबिलिटी में से कम हुई है तो दूसरी लायबिलिटी में एड हुई है। तो फाइनली फॉर्म का पेमेंट तो उतना वहीं का वहीं है, फॉर्म की एक लायबिलिटी बढ़ के एक घट जाए तो कोई प्रॉफिट या लॉस थोड़ी हुआ, तो इसलिए फिर ऐसे में ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगी, ये वाली एंट्री रिवैल्यूएशन अकाउंट में नहीं जाएगी, क्योंकि दोनों ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में हो गए, एक जगह प्लस किया तो एक जगह हमने माइनस किया। अगला एडजस्टमेंट देखते हैं, आउट ऑफ क्रेडिटर्स जितने भी क्रेडिटर्स है उसमें से अ सम ऑफ 10,000 इज ड्यू टू न्यू पार्टनर विल बी ट्रांसफर टू हिज कैपिटल अकाउंट। क्रेडिटर्स में एक 10,000 का अमाउंट इंक्लूड है, वो जो नया पार्टनर आया है चेतन, इस क्वेश्चन में चेतन नया पार्टनर आया है, 10,000 पे क्रेडिटर को देना है, उसमें 10 क्रेडिटर जितने भी है उनमें से जो 10,000 है वो चेतन को देना है, तो चेतन के अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो 10,000 क्रेडिटर्स में से कम हो जाएंगे, 10,000 क्रेडिटर्स में से कम हो जाएंगे और कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे चेतन के कॉलम में। ठीक है, तो करके देखते इस पॉइंट को कैसे करेंगे। क्रेडिटर्स दिए हुए 40,000, इसमें 10,000 चेतन नाम का पार्टनर उससे कनेक्टेड है, तो नया पार्टनर जो है चेतन है उससे कनेक्टेड है, तो ये हमने क्रेडिटर्स में से अमाउंट कम कर दिया, क्रेडिटर्स में से अमाउंट कम कर दिया और चेतन से कनेक्टेड है तो चेतन के अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं। लायबिलिटी मतलब क्रेडिट आइटम मतलब क्रेडिट करना है हमको, तो चेतन के कॉलम में ये अमाउंट क्रेडिट कर देंगे, ये उसे कैपिटल में इंक्लूड हो गया। अब दूसरा एक दोनों ट्रीटमेंट हो चुके, कैपिटल एक लायबिलिटी होती है जो इंक्रीज हो गई, उधर क्रेडिटर्स भी एक लायबिलिटी वो डिक्रीज हो गई, तो दोनों इफेक्ट हो गए। अब ये रिवैल्यूएशन में नहीं जाएगा क्योंकि एक लायबिलिटी बढ़ी है एक लायबिलिटी घटी है, रिवैल्यूएशन में आना नहीं है, प्रॉफिट लॉस है ही नहीं वो। अगला एडजस्टमेंट देखते हैं, अ क्रेडिटर ऑफ गुड्स फॉर 800, एक क्रेडिटर है जिस पर 800 रुपये गुड्स के देने हैं, हैज बीन ओमिटेड फ्रॉम बोथ परचेस एंड क्रेडिटर्स, ना हमने उसको क्रेडिटर्स में इंक्लूड किया ना परचेस में इंक्लूड किया, मतलब परचेस करने की एंट्री करना ही भूल गए,
किसी क्रेडिटर से 800 का सामान खरीदा और परचेज करने की एंट्री करना भूल गए, ना परचेज में इंक्लूड किया ना क्रेडिटर से इंक्लूड किया, अल्थो द गुड्स हैज बीन करेक्टली इंक्लूडेड इन स्टॉक, लेकिन वो अमाउंट हमने स्टॉक में तो ऐड कर दिया है, जो हमने गुड्स खरीदा था इस परचेज करने की एंट्री भूल गए, लेकिन वो जो गुड्स है वो स्टॉक में तो रख दिया है। तो भाई गुड्स तो स्टॉक में रखना ही था, उसमें तो कोई गलती नहीं है, वो जैसा था उसमें कुछ करेक्शन नहीं करना, लेकिन हमने जब एंट्री नहीं करी तो क्रेडिटर्स में वो इंक्लूड नहीं हुआ, तो अब इंक्लूड करना पड़ेगा। कहने का मतलब माल खरीदा है एंट्री नहीं किए तो इसका मतलब ये थोड़ी कि पेमेंट नहीं करना है, पेमेंट तो करना है, तो पेमेंट करना है तो फिर क्रेडिटर्स में ऐड कर देंगे, ऐड अन रिकॉर्डेड कितने जितना 800 रुपीस, एक क्रेडिटर्स में एक अमाउंट इंक्लूड नहीं था 800 रुपये, माल खरीदा पर लिखना भूल गए थे तो ऐड कर दिया, तो क्रेडिटर्स में ऐड करने से लायबिलिटी बढ़ गई, लायबिलिटी बढ़ गई तो ये लॉस हुआ, अगर लॉस हुआ तो रिवॉल्यूशन अकाउंट के डेबिट में आ जाएगा, ये रिवॉल्यूशन के डेबिट में आ गया। इस टाइप से ये रिवॉल्यूशन अकाउंट से कनेक्टेड जो एडजस्टमेंट्स होते हैं वो कौन कौन से हो सकते हैं, कैसे कैसे हो सकते हैं, वो हम एक एक करके समझ रहे हैं, उनके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स क्या होते हैं वो हम समझ रहे हैं, एक ही बात को कितने ढंग से दिया जा सकता है क्वेश्चन के अंदर वो हम समझते जा रहे हैं, सो देट जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहां पे हम उलझेंगे नहीं। तो हम क्वेश्चन से कनेक्टेड जो बेसिक चीजें हैं वो धीरे धीरे करके पहले समझ लें, अगर ये बेसिक चीजें समझ में आ गई तो क्वेश्चन इजीली हो जाएगा।